ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, हम जीते हैं उन वीर जवानों के लिए और उन देशवासियों के लिए, यही हमारी जिंदगी है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ड्यूटी भी हुआ और उनकी बच्ची का जन्मदिन भी हो गया जी, तो दोनों फर्ज हम लोग पूरा किए हैं। बस ये नहीं जा पाए घर, मेरे बेटे को यहीं से आशीर्वाद देते हैं, केक भी काट दे जितना। ड्यूटी का मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि ड्यूटी का कर्तव्य का पालन करना। और पल भर में देखेंगे ये हमारे सुग्गा जी, जो कि आज बर्थडे है इनकी बेटी का, जो ये पल बहुत ही मौके से मिलता है, जो आज की शाम और सभी जवानों के नाम और जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं लोग उनके नाम और सभी मेडिकल टीम के सभी टीमों के नाम। तो अब ये आप शुरू करें आप बर्थडे का अपने शुभ हाथों से। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। और इसी तरह केक काटते हुए सुग्धा जी के द्वारा ये काफ़ी अच्छा पल है, जो कि हम लोगों का लॉकडाउन में भी ड्यूटी पे अपने कर्तव्य पालन करते हुए फिर भी हम लोगों ने अपने परिवार अपने बाल बच्चों के लिए ये पल में याद करते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी सुनहरा पल है। जब लोग सोते हैं तो हम लोग जागते हैं और समाज की चिंता हमारे रगों में भरी हुई है और हमारे देश की सेवा करने की जो भी है वो हमारे रगों में भरी हुई है, तो ये पल हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं। थैंक यू। और इसी की तरह दूसरा भी केक काटते हुए और ये अपने हाथों से हमारे सागर जी को खिलाते हुए काफ़ी अच्छा मोमेंट पल है। और अपने पहले अपने लिए भी ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, हम जीते हैं उन वीर जवानों के लिए और उन देशवासियों के लिए, यही हमारी जिंदगी है। और सागर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस वाले के दिल और दिमाग का संतुलन है जी, सबसे पहले ड्यूटी जी, उसके पहले घर परिवार जी। ड्यूटी में रहते हुए हम लोगों ने आज इनकी बेटी का जन्मदिन मनाया, बेटी भी खुश, हम लोग भी खुश, बाकी जनता भी खुश। अपने को सेटिस्फेक्शन हुआ कि बर्थडे मनाए, घर नहीं जा पाए क्योंकि ड्यूटी में आना था, लॉकडाउन को सफल बनाना था, लोगों को कोरोना से बचाना था, और हमने तीनों फर्ज निभा दिए, कि बाप का भी फर्ज निभाए, देश के सिपाही होने का भी फर्ज निभाए जी जी। और आप क्या कहना चाहेंगे सुखदेव जी अपनी बच्ची के लिए दो शब्द? जी मैं भी नहीं जा पाए घर, मेरे बेटे को यहीं से आशीर्वाद देते हैं, केक भी काट दिए, जितना भी कोरोना से कोई भी लड़ रहा है उसको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम है मेरा अनिशा हंसदा। अनिशा चारों मिल के अनिशा जी के लिए एक दुआ करेंगे कि उनकी उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला उनका भविष्य सफलताओं से भरा रहे जी। सर को थोड़ा सा स्टेटमेंट। और साहब आप दो शब्द कहना चाहेंगे इनकी बच्ची के लिए? बस मेरे तरफ से भी है इनकी बच्ची को जी की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं और उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ जी। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ड्यूटी भी हुआ और उनकी बच्ची का जन्मदिन भी हो गया जी, तो दोनों फर्ज हम लोग पूरा किए हैं। बस मैं इनके बच्ची के भविष्य की कामना करता हूँ जी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सुग्धा जी के बच्चे के लिए मैं काफ़ी सारी मुबारकबाद और मैं दुआ करता हूँ अपने रब से कि वो लाखों हजारों साल जिएँ, और उस बच्ची के लिए मैं शुभकामना करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने परिवार अपने समाज
से काफ़ी दूर रहते हैं और बहुत सारा हम लोग टेंशन भी रहती है हमारे दिलो दिमाग में, फिर भी हम लोग संतुलन बनाए रखते हैं और पेशेंस भी रखते हैं। और इन ड्यूटी का मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि ड्यूटी का कर्तव्य का पालन करना, और जो भी है आप समाज से लेकर के या अपने परिवार से लेकर के कार्य को करते हुए उनकी दिली ख्वाहिशों को पूरा करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। जो पल हम लोगों के लिए मिल जाती है, जो गुजर जाती है, वो फिर आने वाली नहीं है। और मैं सुखदा जी का बेटी के लिए सबसे बड़ा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो आगे चल के अच्छा मतलब बने और अपने पापा से भी अच्छा कार्य करें और कर्म करें, इसीलिए मेरा शुभकामना उनके साथ, और इसी तरह हम उनके मुबारकबाद देते हैं। घर में रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे और मस्त रहे, यही हमारी दुआ है। जवानों की यही है, यही दिल लगी है कि एक पल में हजारों पल जी लेते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सबका।